हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके वाईफाई में कितने बंदे कनेक्ट हैं और किस तरीके से उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने के साथ साथ ही आप कैसे अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। अगर आपके पास भी एमटी लिंक का राउटर है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप टीपी लिंक का यूज़ करते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टीपी लिंक का यूज़ करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। तो एमटी लिंक राउटर के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद सिंपली आपको ऊपर टाइप करना है आईपी एड्रेस। अमूमन सबका यही एड्रेस होता है, आपने यही एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद यहाँ ये ऐसा ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पे एडमिन आपने लिख देना, ये ओपन हो जाएगा। इसका पेज जो होता है वो ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ पे जो है पेज इसका ओपन हो चुका है और यहाँ पे 8 बंदे कनेक्ट है मेरे वाईफाई से। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन है वो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अटैच पे और यहाँ पे हमारी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ देखें ये 8 बंदे जो है वो कनेक्ट है। इसको हम यहाँ से सिंपली ब्लॉक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ऑफ़ करूँगा तो ये जो जितने भी है वो एक एक करके ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे और आपका जो जितने भी यूज़र को आप ब्लॉक करेंगे, ये देखिए यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओके करेंगे और नीचे जो है ब्लॉक लिस्ट पे एक डिवाइस आ जाएगी। यहाँ देखिए अभी तो नहीं है, ओके किया मैंने, नीचे आ गई एक डिवाइस। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सिंपली रिमूव। इसी तरह आपको रिमूव करके दोबारा ओके करना है तो वो अगला बंदा जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखें रिमूव पे क्लिक करके ओके करूँगा और यहाँ पे जो है वो अनब्लॉक हो चुके हैं। उसके बाद सिंपली अगर आप यहाँ पे सिंपली अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैग आना है, बैग आ जाना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 डॉट जो है इस पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर वायरलेस सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पे नहीं, ये मैंने गलती से कर दिया, आपको वायरलेस सेटिंग पे क्लिक करना है। दोबारा टिक करना है 3 लाइन पे और यहाँ से वायरलेस सेटिंग पे आ जाना है। उसके बाद देखें यहाँ पे जो है वाईफाई का हमारा नाम आ जाता है, उसके नीचे जो है यहाँ देखिए वाईफाई पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इजीली। यहाँ देखिए यहाँ अभी मैं करना नहीं चाह रहा, आप यहाँ सिंपली आके कोई भी अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे ओके पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने बता दी किस तरीके से आप देख सकते हैं आपके वाईफाई पे कितने यूज़र कनेक्ट हैं और कैसे उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं और अनब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कि एमटी लिंक का जो राउटर होता है उसमें पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं और कैसे हम किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि यार आने वाली वीडियो जब तक पहुंच सके। यहाँ सिंपली आपको मैंने मेथड बता दिया, इसी मेथड से आप अपने वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और किसी को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि आपके वाईफाई से कितने बंदे कनेक्ट हैं।